गाइज वेलकम अगेन, फिर से स्वागत करता हूँ रैंडम फैक्ट्स के एपिसोड 3 में। इस सीरीज में ऐसा होता है कि आपको 7 एकदम बेहतरीन और अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में सुनने को मिलता है जो आपने पहले नहीं सुने होंगे। क्यों नहीं सुने होंगे? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो बड़े बड़े बिजनेसेस चल रहे होंगे ना, टाइम नहीं मिलता होगा तुमको। अब आ गए हो तो थोड़ा सा नॉलेज बढ़ा लो, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। पता है कि तुमने किया नहीं होगा, हर बार बताना पड़ता है ना। नया क्रिएटर हूँ, थोड़ी सी मदद करना चाहिए, पर नहीं, हम क्यों करें, पैसे लगते हैं हमको। तो साले दूसरे यूट्यूबर ऐसे दिखाते हैं कि 60% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दो। ये हालत ऐसी है कि 100% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। मैं लोगों को ऐसा बोलूं कि मेरे चैनल पर 0% लोगों ने सब्सक्राइब किया है, वाह कितने गर्व की बात है। ज्यादा नहीं बोलता, लाइक करो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो, शेयर खत्म होने के बाद कर देना। तो अब वीडियो शुरू करते हैं। सो कम ऑन, लेट्स बिगिन विद फैक्ट्स नोवा। फैक्ट नंबर 7, ब्लैक होल का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ, वही जो खींच लेता है सारी चीजों को। अगर लाइक नहीं करोगे ना तो तुम्हारे फोन को भी खींच लेगा। सुनो, ब्लैक होल्स स्पेस में एक ऐसी जगह होती है जहाँ फिजिक्स यानी भौतिकी विज्ञान के तमाम लॉस और थियरीज फेल कर जाती है। इन शॉर्ट, वहाँ टाइम और प्लेस का कोई मतलब ही नहीं होता है। अच्छा, बोले ऐसा होता है? हाँ भाई, होता है। यहाँ ग्रेविटेशनल पुल के साथ में बहुत अंधेरा भी होता है। सालो, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो यहाँ बैठा कर फियर फाइल्स दिखाऊंगा। ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ब्लैक होल्स की ग्रेविटी की इमेजिनेशन आप कुछ ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ अगर लाइट इंटर करता है तो वो वापस कभी नहीं बाहर आ सकता। जेले साला ब्लैक होल। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें जो चीज जाएगी वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी, एकदम फुल टू काला पानी, चाहे वो चीज कुछ भी हो। तो फिर अब ये सोचो कि अगर सूर्य से सैकड़ों गुना बड़ा तारा ब्लैक होल की ग्रेविटी के आड़े आया तो क्या होगा? सोचो मत, इस फुटेज को देखो। ब्लैक होल जब किसी स्टार को अपनी ओर खींचता है तब कुछ ऐसी प्लाज्मिक रेडिएशन निकलती है। क्या ऐसा कुछ पहले देखा था? कमेंट करके जरूर बताना। फैक्ट नंबर 6, आप सबने अपनी लाइफ में कभी न कभी टॉय स्टोरी तो देखी होगी। देखी नहीं हो तो टॉय स्टोरी के बारे में सुना होगा। सुना भी नहीं हो तो फिर क्या ही बोलूं? सुना भी नहीं? टॉय स्टोरी डिज्नी एंड पिक्सार के द्वारा बनाई गई एक बहुत ही फेमस सीरीज है जिसके टोटल 6 पार्ट रिलीज हो चुके हैं। फैक्ट ये है कि पिक्सार के को-फाउंडर एड कैटमूल ने अपनी किताब creativity.inc में लिखा था कि जब वे टॉय स्टोरी 2 का प्रोडक्शन कर रहे थे तब पिक्सार के किसी एम्प्लॉय ने एक्सीडेंटली एक कमांड टाइप कर दिया। वो कमांड था /bin/rm-r-f*। अब जो लोग कोडिंग के फील्ड में हैं या कोडिंग का नॉलेज रखते हैं वो तो समझ चुके होंगे कि पिक्सार के साथ आगे क्या हुआ होगा। गाइस, इस कमांड को इंटर करते ही फिल्म के एक बड़े सीक्वेंस के सीन्स धड़ाधड़ डिलीट होने लगे और देखते ही देखते सारा सीक्वेंस रद्दी में चले गया। एड कैटमूल ने किताब में ये भी लिखा था कि डिलीटेड सीक्वेंस को अगर फिर से रिक्रिएट किया जाता तो उनको बनाने में पूरा 1 साल लगता। बट लकीली एक दूसरे एम्प्लॉय के पास में सारी मूवी का बैकअप उसके घर पर रखा हुआ था जिसके कारण टॉय स्टोरी 2 को 1 साल पीछे नहीं होना पड़ा और टॉय स्टोरी 3 हमें जल्दी देखने को मिली। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये कमांड उस बंदे ने जानबूझकर डाली या गलती से, जैसे गलती से कौन इतना बड़ा कोड डालेगा। और फिर तो उस बंदे को कंपनी से बर्खास्त कर दिया होगा, आई थिंक सो। चलो छोड़ो, जो भी हुआ होगा, अपना क्या जा रहा है, कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस बारे में जानते थे या नहीं। फैक्ट नंबर 5, अब मैं आपको एक ऐसे फैक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको सुनकर लिटरली आप तरह तरह के बुरे एक्सप्रेशंस बनाने वाले हो। तुमने कभी इजिप्ट का नाम सुना है, जिसे हिंदी में मिस्र देश भी कहा जाता है? हाँ यार, वो पिरामिड वाला देश जहाँ रात को मम्मियाँ पीछे दौड़ती हैं। लॉल, सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं होता, पर समझ गए ना इजिप्ट कौन सा देश है। वैसे ये देश अफ्रीका में है, अगर नहीं पता हो तो बता देता हूँ। एक बात और है कि ग्रेट पिरामिड एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है, उसकी कभी और बात करेंगे टाइम मिला तो। अब सुनो, इजिप्शियन पीपल से जुड़ा ये फैक्ट। गाइस, अगर तुम में से किसी को दांतों में दर्द हो तब आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है भाई, डेंटिस्ट को दिखाएंगे और क्या करेंगे। बट पता नहीं इजिप्शियंस ऐसा क्यों नहीं करते थे। उनको दांतों में जब भी दर्द होता था तब वो डेंटिस्ट को नहीं दिखाया करते थे, बल्कि एक चूहे के पीछे दौड़ते थे, उस चूहे को मारकर अपने मुंह में रखते थे। लिटरली मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं रिएक्ट कैसे करूं। वो अपने मुंह में एक मरा हुआ चूहा रखते थे। एक्चुअली इजिप्शियंस का मानना था
कि टूथ एक की सबसे अच्छी रेमेडी मरे हुए चूहे को मुंह में रखना है। इजिप्शियन से जुड़ी एक और अजीब बात ये थी कि जब इजिप्ट में कोई बड़ा राजा मरता था तब उसकी आंख निकाल ली जाती थी और आंख की जगह ओनियन यानी प्याज रख दिया जाता था। अभी ये पिरामिड वालों के पास दिमाग नहीं था क्या कि भगवान ने इनका दिमाग निकाल लिया और भूसा भर दिया। सॉरी, किसी की परंपराओं का मजाक नहीं उड़ाना, गलत बात है, ये फेक स्नोवा की पॉलिसी के खिलाफ है। पर आपने एक चीज नोटिस की, हम यहाँ इंसानों का नहीं फेक्स का रोस्ट करते हैं। चलो लेट्स बैक टू टॉपिक। उनका इटरनल लाइफ यानी मौत के बाद की जिंदगी में भरोसा रखना ही इन अजीब रिचुअल्स को फॉलो करने का कारण था। ये सभी इन्फॉर्मेशन इजिप्ट में मिली मम्मियों से पता चली थी, पर आज भी मम्मीज के बारे में हमें कुछ ज्यादा पता नहीं है। क्या तुमको ये पता था? कमेंट में डाउन। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट एक जीनियस के ऊपर है। ये फैक्ट किसी इंसान के पर्सनल लाइफ पर आधारित है। कृपया इस इंसिडेंट को सीरियसली ना ले और रियल लाइफ में ना दोहराए, नहीं तो सड़क पर पंचर बनाना आपकी मजबूरी हो जाएगी। एज यू नो, अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ सुपर जीनियस और आज के जनरेशन के साइंटिस्ट के रोल मॉडल भी। उनकी लाइफ में भी एक घटना घटी थी जो दिखाती है कि उन्हें क्यों फिजिक्स का भगवान कहा जाता है। आइंस्टाइन ने मेलिवा मेरिक से 1903 में शादी की। बाद में उनके दो बच्चे भी हुए, हैंस और एडवर्ड। पर अचानक कुछ सालों बाद मेरिक को ये पता चला कि आइंस्टाइन उसे चीट कर रहे हैं। आइंस्टाइन का और मेरिक की कजिन एल्जा का अफेयर चल रहा है। मेरिक उस समय बर्लिन में थी। 1919 में फाइनली आइंस्टाइन और मेरिक ने एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया। वो एक साथ 4 साल तक रहे थे। अब आप पूछोगे बड़ी बात क्या है, तो बड़ी बात ये है कि वार्षिक मुआवजा देने के बाद आइंस्टाइन ने मेरिक से ये भी वादा किया था कि उन्हें नोबेल प्राइज का कुछ हिस्सा आइंस्टाइन अलग से देंगे। अब हैरानी की बात ये थी कि वो तब तक कोई भी नोबेल प्राइज नहीं जीते थे, पर उन्हें इतना भरोसा था खुद पर कि उन्होंने मेरिक से वादा ही कर दिया। फिर क्या था, 1922 में थियोरिटिकल फिजिक्स में अपना अहम योगदान देने पर उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया और आइंस्टाइन ने अपना वादा पूरा किया। बाद में एल्सा और आइंस्टाइन ने दूसरी शादी कर ली। क्या आप ये बात जानते थे? कमेंट बिलो। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी वेंटा ब्लैक के बारे में सुना है? ऐसा कहा जाता है कि वेंटा ब्लैक दुनिया का सबसे डार्केस्ट मटेरियल है। एक्चुअली वेंटा ब्लैक ब्रिटिश कंपनी सूरी नैनो सिस्टम ने बनाया था। ये दुनिया के सबसे काले मटेरियल्स में से एक है। जब इस पर लाइट डाली जाती है तो ये 99.965% विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वेंटा ब्लैक का मतलब होता है वर्टिकली अलाइन नैनो ट्यूब अरेस ब्लैक। भाई अगर ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसमें कोई कलर ही नहीं होगा ना, यही वजह है कि इसे डार्केस्ट मटेरियल कहा जाता है। कई बार ये भी कहा गया है कि वेंटा ब्लैक कोई कलर ही नहीं है। अब ऐसा क्यों है, चलो देखते हैं। हमारी आंखें वही देखती है जो रिफ्लेक्ट होकर वापस हमारी आंखों तक आता है। यानी हमें लाल रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि लाल रंग को छोड़कर सारे रंग एब्जॉर्ब हो जाते हैं और लाल रंग रिफ्लेक्ट कर जाता है और सीधा हमारी आंखों में घुसता है। पर वेंटा ब्लैक में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वेंटा ब्लैक विजिबल लाइट के हर कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वहां कोई भी कलर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। ये कारण है कि वेंटा ब्लैक मटेरियल पर कोई कलर मौजूद नहीं है। वेंटा ब्लैक पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट मी डाउन। फैक्ट नंबर 2, कि आपको ये पता है कि सैमसंग ने एक ऐसी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसके मदद से आप एक सिंगल फोटो को यूज करके उस फोटो के अवतार को बात करवा सकते हैं। सीरियसली, एक फोटो जो हिल भी नहीं सकती वो AI अप्लाई करने के बाद सीधे बात करने लगती है। भाई सैल्यूट सैमसंग वालों, मानना पड़ेगा। ये AI सैमसंग के मॉस्को रिसर्च सेंटर में बनाया गया था, जिसमें लिटरली कुछ इमेजेस को पिक किया गया जिसके बाद उन पर कुछ AI अप्लाई किया गया जिसके बाद वो बात करने लगी। तुम ऐसा बोलोगे पागल है क्या, ऐसा कभी होता है क्या? क्या तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? ये AI अल्बर्ट आइंस्टाइन, मोनालिसा और लियोनार्डो द विंसी की इमेजेस पर अप्लाई किया गया था और इमेजेस कुछ ऐसी दिख रही थी। ये AI एक फोटो को टॉकिंग वीडियो बना दे रहा था। ये मॉडल 32 फोटोज पर ट्राई किया गया था। वाओ। फैक्ट नंबर 1, गारंटी तुम में से इस फैक्ट के बारे में कोई नहीं जानता होगा, खुद पर विश्वास है मुझे। अगर पता होगा तो कमेंट करना। शेफ बनना कोई आसान बात नहीं, ये बात तो सबको पता है कि शेफ्स कितने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि वो एक इंग्रेडिएंट से 50 तरह के अलग अलग डिशेस को पका सकते हैं। ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि किस शेफ के पास कितना एक्सपीरियंस है? खास बात ये है कि कुकिंग फील्ड में आप एज देखकर पता नहीं लगा सकते कि कौन कितना एक्सपीरियंस शेफ है। वहाँ एक यंग बंदा भी एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, जैसे आपने इंडिया में ही देखा होगा। नाउ किसी भी शेफ का एक्सपीरियंस बताती है उसकी ये वाइट हैट जो वो पहनते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, आपकी हैट में जितनी फोल्ड्स हैं, यानी यहाँ फोल्ड्स के नंबर को एज अ रेटिंग कंसिडर किया जाता है। अब फोल्ड्स कैसे गेन कर सकते हैं? तो उसका सिंपल सा फंडा ये है कि आपको अंडा पकाने के कितने तरीके आते हैं। शॉर्टली, अगर आपके व्हाइट हेट में 100 फोल्ड्स है तो आपको एक को कुक करने के 100 तरीके आते हैं। था ना एकदम मस्त फैक्ट?
तो भैया ये वीडियो मैं इधर ही फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, रिक्वेस्ट करता हूँ। ऑर्डर तो मैं दे नहीं सकता। सपोर्ट करो रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, वीडियो शेयर करो, थोड़ा उनका भी नॉलेज बढ़ जाए। मज़ा आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और DM या ईमेल कर देना कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सपोर्ट आर्मी एंड सपोर्ट फार्मर्स। थैंक्स अ लॉट।